वीडियो डाले थे वहाँ गुरुद्वारा वाला, तो वहाँ पे जो मेरा दोस्त नवीन था तो वो अपना लैम्बोर्गिनी लेके आया था, लेकिन इस बार जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके आया, मतलब लैम्बोर्गिनी जो लाया था उससे थोड़ा सा अलग लेवल का लेके आया, तो देख सकते हो कैसे हैं आप लोग। सो ये लैम्बोर्गिनी लेके अभी आया है, तो पिछला बार से अभी इम्प्रूवमेंट है कुछ, और लग रहा है उम्मीद कि आगे सचमुच लेके आ जाएगा कुछ दिन बाद। तो अभी चलेंगे यहाँ से हम लोग हनुमान मंदिर। और ये ब्रिज तो हमारे हर वीडियो में देखने को मिलता है आप लोगों को। तो अभी यहाँ से जो है चलते हैं मंदिर के साइड, और हनुमान मंदिर का आज है मतलब जा रहे हैं स्टेशन के साइड जो महावीर मंदिर है वहीं पे, तो देख सकते हो। और मॉर्निंग का ये टाइम है, सब लोग जॉगिंग कर रहे हैं पूरा, और ये अपना चला रहा है, तुम मत देखो ड्राइव करो। पहुंचने वाले हैं जंक्शन के पास, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अब फाइनली देख सकते हो हमारे सामने महावीर मंदिर है, और आज मंगलवार है तो इसलिए बहुत जल्दी आ गए हैं, सुबह भी लगभग 6 बज रहा है ताकि मतलब ज़्यादा लेट ना हो, लेकिन फिर भी देखो कितना ज़्यादा हो चुका है मॉर्निंग टाइम में, और मंदिर पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रहा है यहाँ से देख सकते हो अपना जंक्शन। और ये सामने हनुमान मंदिर है, तो चलते हैं अभी वहाँ पे। सुबह सुबह का टाइम है फिर भी भीड़ है काफी ज्यादा यहाँ पे। पटना का बाइक यहाँ पे पुष्पमाला है सबसे पहले एंट्री गेट पे। अभी यहाँ से जो प्रसाद लेने टोकन दिखा के देखते हैं पर्ची है। यहाँ पे कि मतलब लाइन जो है लगे हुए हैं बहुत देर से, और फिर भी आज कम है उतना भीड़ और दिन का अपेक्षा। ये मंदिर है और अभी चलते हैं मेन गेट, कुछ ही देर में दर्शन होने वाला है भगवान का। ये है पटना जंक्शन देख सकते हो, और इस टाइप से सीन है पूरा सा, कितना बड़ा सा दिख रहा है। और इधर जो है ये रेलवे ब्रिज है, उस पर भी कई बार जा चुके हैं और वीडियो भी वहाँ से शूट किए थे। तो इधर जो है पार्किंग एरिया है जिसका चार्ज है 12 रुपया, और ये जो प्रसाद है इसका कितना है 75 रुपये का, 72 रुपये का है 250 ग्राम। तो इस टाइप से कुछ व्यू है मॉर्निंग टाइम का, और अभी भीड़ जो है कुछ कुछ है, और कुछ कुछ मतलब आज मंगलवार है तो थोड़ा और दिन की अपेक्षा थोड़ा सा तो ज़्यादा ही है। तो अभी ऊपर चलते हैं, पहले इधर नीचे घूम लेते हैं फिर ऊपर आप लोगों को ले चलते हैं और दिखाते हैं ऊपर का व्यू। और मेन मंदिर तो नीचे है जस्ट, और उसके ऊपर ऊपर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे बैठ के आप मतलब यहाँ पे कुछ देर बैठ के अपना शांति से प्रवचन भी कर सकते हो, अपना मंत्र भी पढ़ सकते हो, जाप भी कर सकते हो। तो ये जो है सेकंड फ्लोर पर जो मंदिर है उनमें जो है इधर देखिए माता जी हैं, और इधर राम जी हैं, और इधर जो है कृष्ण जी हैं देख सकते हो। और इस टाइप से अभी यहाँ का एक और अच्छा चीज़ है जो कि आप लोग को दिखाते हैं, ये स्ट्रक्चर है देख सकते हो, ये जो है फ्यूचर में बनने वाला है ना कि बन चुका है, ये कहाँ का है वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण मतलब बनने वाला है वहाँ पे। अरे ये देखिए विराट रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर है जो कि बनने वाला है कहीं भी, तो उसका ये स्ट्रक्चर पहले से रेडी है देख सकते हो। ये कुछ इस टाइप से सीन है, ये तो राम मंदिर से भी बड़ा सा इसका लुक दिया गया है देख सकते हो, वर्ल्ड का एकदम अद्भुत नज़ारा है देखो यहाँ पे। दान पेटी में भी पैसा जमा हो चुका है बहुत सारा है। और इधर जो है शिव जी का मंदिर है देख सकते हो, भोलेनाथ का,
भोलेनाथ का देख लो मंदिर, और ये जो है मंदिर का जो है फ्रंट व्यू है जहाँ से अभी लाइन में लग के हम लोग आए थे। तो सो फाइनली सेकेंड फ्लोर पे आ चुके हैं, और यहाँ पे कोई मंदिर मतलब कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, बस ये जो है बैठने के लिए एक अच्छा सा जगह है जहाँ पे बैठ सकते हो। दूर से जो लोग आते हैं अपना रेस्ट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो पीछे ये। तो ये जो है सबसे ऊपर फ्लोर का जो है व्यू है इस टाइप से देखो, और यहाँ पे जो है आप बैठ के थोड़ा पटना का आसपास का जंक्शन का इस सब का देख सकते हो नज़ारा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फोटोशूट भी यहाँ पे कर सकते हो, अच्छा से फोटो सब आता है। जो है सरस्वती जी का पिक्चर है, और अब नीचे आ गए हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, एग्जिस्ट गेट है सामने देख सकते हैं। तो आज यही रहा मंदिर का जो भी घूमने के लिए पूजा पाठ किए हैं।